मुंह भरी हो, मीठी बातें रग रग में अय्यारी हो, उसको कौन बचाने वाला जिसको ये बीमारी हो। हमने नाहत अपनी गजलों पे यूं इतराता फिरता, जैसे अपनी जुल्फ किसी ने पहले पहल सवारी हो। पहले पहल सवारी हो। जमीने शेर उगाया नहीं कई दिन से, कुछ आसमां से भी आया नहीं किसी कई दिन से। ये शहर वो है कि खुशियां कोई तो क्या देता, किसी ने दिल भी दुखाया नहीं कई दिन से। किसी ने दिल जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। मैं इसलिए भी परिंदों से दूर भागता हूं कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं। हाजी असलम साबरी साहब के चार मिसरे मुझे बड़े पसंद हैं, मेरे वालिद भी पढ़ते थे। आप माशूक क्या हो गए, 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 आशिकों के खुदा हो गए। शेर सुने बेपनाह है। चश्मे साकी से पीली शराब, चश्मे साकी से पीली शराब, शेख जी पारसा हो गए। और शेर सुने सदर साहब। मेरी मैयत पे वो आ गए, मेरी मैयत पे वो आ गए, सारे वादे वफा हो गए, हो गए, सारे वादे वफा हो गए। एक बड़े हसीन शायर हैं, बड़े भाई एम तुरास साहब। आपने एक फिल्म देखी होगी या नहीं भी देखी, नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में रही, बाजीराव मस्तानी। उसके जितने गाने देखे वो तुरास भाई ने लिखे हैं। वो देखिए मिसरे गजल के कहते हैं कि बहते हुए एहसास का मंजर नहीं आया, माफ कीजिए, ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया। मुद्दत से सफर में हूं मगर घर नहीं आया। ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूं मगर घर नहीं आया। ऐ शिद्दते रफ्तार जरा थम के, अभी तक रस्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया। रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। रूठा
इसी के साथ मतला नजर कर रहा हूं गजल का, उम्मीद करता हूं कि पसंद फरमाएंगे। एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया, वो गिरफ्तार साहब जिगर मुरादाबादी साहब के कुछ मिसरे पढ़ते थे, बड़े मकबूल मिसरे हैं, लेकिन इस गजल में जम है इसलिए नजर कर रहा हूं, समाज फरमाए। बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे 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 बदल गए। मैं भी वही हूँ मेरी मोहब्बत भी है वही, मैं भी वही हूँ मेरी मोहब्बत भी है वही, फिर क्यों तेरी नजर के इशारे बदल गए, मौजों से पूछ लीजिए साहिल भी है गवाह, कश्ती मेरी डूबो के किनारे बदल गए, गैरों की बात का न बुना खैरों की बात का न बुरा मानिए जिगर, खैरों की बात का न बुरा मानिए जिगर, हम क्या कहें कि हमसे हमारे बदल गए, पसंद है ये भी जिगर साहब है, तवज्जो चाहूंगा। दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई के दोस्त का पैगाम आ गया, मौत आ गई के दोस्त का पैगाम आ गया, जब कोई जिक्र कर दिशे अय्याम आ गया, बे इख्तियार लब पे तेरा नाम आ गया, दीवानगी हो अक्ल हो उम्मीद हो कयास, दीवानगी हो अक्ल हो उम्मीद हो कयास, अपना वही है वक्त पे जो काम आ गया, तू बेवफा है फिर भी मेरे दिल के पास है, वो हौसला कहां के तुझे पाके खो सकूं, तेरी नजर थी कर गई दुनिया से बेखबर, मेरी मजाल क्या कि मैं दीवाना हो सकूं,
मतला नजर कर रहा हूँ, कंपोज भी सुने और मतला भी। वो की रफ्तार मोहब्बत, वो की रफ्तार मोहब्बत है, किधर जाएगा। शेर नजर कर रहा हूं, सामने वालों से भी तवज्जो चाहूंगा जो पीछे बैठे हैं, इस बैरिकेड के पीछे जो बैठे हैं वो भी ये शेर को तवज्जो से सुने। रिस्क से हलकान रखा जाएगा क्या, दो घड़ी का मुझे मेहमान रखा जाएगा क्या, तुझे खोकर तो तेरी फिक्र बड़ी लाजिम है, तुझे पाकर भी तेरा ध्यान रखा जाएगा क्या, अरे मान भी ले के तुझे मैंने बहुत चाहा है दोस्त, सर पे मेरे कुरान रखा जाएगा क्या। तेरा अंदाज़े मोहब्बत है जमाने से जुदा, जुदा मैंने सोचा भी न था ऐसे, मैंने सोचा भी न था ऐसे मुकर जाएगा। सदर साहब, ओ सदर साहब एक मिनट, इंतखाब आसिफ साहब, दुनिया में तेरे इश्क का चर्चा न करेंगे, दुनिया में तेरे इश्क का चर्चा न करेंगे, मर जाएंगे लेकिन तुझे रुसवा न करेंगे, मर जाएंगे लेकिन तुझे रुसवा न करेंगे, तुझको अगर इन मेरी निगाहों से है गिला, जा दूर से भी अब तुझे देखा न करेंगे। Oh, 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 oh,
कहते हैं तासीर चश्मे गम ना दिखा दूं तो बात क्या, उनको भी एक दिन ना रुला दूं तो बात क्या, ये दिल शादी से बस निकाह मिलाने की देर है, आलम को मैं कदाना बना दूं तो बात क्या, ये दिल तुम्हारी याद से गाफिल तो हो कभी, इस दिल को खाक में न मिला दूं तो बात क्या। मैंने सोचा भी न था ऐसे मुकर जाएगा। इसके तीन शेर बड़े अच्छे हैं साहिल भाई, नजर कर रहा हूं। अगर गजल को यकीनन सुनने वाले लोग भद्रक में रहते हैं तो इस शेर पर दांत का मुल्तजी हो। आए है वो शेर बाद में, लेकिन अभी टाइम नहीं है रिपीट करने का। छह मिसरे नजर कर रहा हूं उससे पहले। जड़ों से अपनी उखड़कर भी लोग जीते हैं, ये जिंदगी है उजड़कर भी लोग जीते हैं। हवा कभी भी मुखालिफ नहीं किसी के लिए, मगर हवा से झगड़ कर भी लोग जीते हैं। कोई भी गम हो बहुत देर तक नहीं रहता, मोहब्बतों में बिछड़ कर भी लोग जीते हैं। कोई भी गम हो बहुत देर तक नहीं रहता, क्योंकि आसमां इतनी बुलंदी पे क्यों उतराता है, भूल जाता है जमी से ही नजर आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बांट लीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर, वरना मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। शेर नजर कर रहा हूं। याद आएंगी तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर, वरना इस पे शेर नजर कर रहा हूं। याद आएगी उसे मेरी वफाएं पल पल। राष्ट्रीय गमछा मिला है, मैं शुक्र गुजार हूं भद्रक वालों। ऐसा शेर पढ़ रहा हूं इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। पीछे वालों से भी तवज्जो चाहता हूं। आमिर भाई शेर सुनना।
खुद्दार के लिए शेर पढ़ रहा हूं। किसी खंजर, अगर शेर सुनते हो तो मचल जाओगे, किसी खंजर किसी तलवार से तकलीफ ना दो, किसी खंजर किसी तलवार से तकलीफ ना दो, मरने वाला मरने वाला तो फकत बात से मर जाएगा। इसमें तेरी क्या तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, पूरा 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 पता सुने वसीम बरेलवी साहिब है। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। अच्छे शेर पर दाद दे रहे हैं, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी रफ्तार अगर रोकनी हो तो वक्त को आगे कर दो। वक्त एक ऐसी चीज है जो किसी का नहीं है। दो चीजें मेरी जिंदगी का 21 या 22 साल का तजुर्बा है, क्योंकि मैं वो खुशनसीब हूं जिसे अल्लाह ने बचपन से नवाजा है, लेकिन उसकी मर्जी, वो जब चाहे नवाजे जब चाहे ले ले। इस पे ना हमारा कोई काम, ना घमंड, ना कोई गुरूर कि हम अच्छा गा रहे हैं या बजा रहे हैं। हमसे ऐसे ऐसे गाने वाले पड़े कि अगर गा दें तो पता नहीं चले हम कहाँ निकल गए। तो सिर्फ हमारा दारो मदार उसके रहम करम पे है। वरना मियाँ ऐसा भी होता है
बहुत पुराना कदा है चचा असलम का, असलम सैफी साहब का। रब नगर चाहे तो पत्ता किस तरह हिल जाएगा, उसकी मर्जी है तो सैफी फूल भी खिल जाएगा। किस भरोसे पर किया करता है ये इंसान गुरूर, खाक का पुतला है एक दिन खाक में मिल जाएगा। और मेरा ये चार मिसरे मेरे बड़े मशहूर हुए कि बड़ी ही शान से रहते थे लोग जिसमें कभी, उसी मकान में अब मकड़ियों का जाला है। बहुत गुरूर है तुझको तो अपनी दौलत पर, इसी गुरूर ने कितनों को मार डाला है। बहुत गुरूर है तुझको तो अपनी दौलत पर, लेकिन हम, मैं ऐसे बाप की औलाद हूं कि बहुत डूबे मगर गहरे समंदर से निकल आए। हम आखिर सब्र की हद से बहुत बाहर निकल आए, जहां पर खुद नुमाई और तकब्बुर की गजालत थी, खुदा का शुक्र उस रस्ते से हम बचकर निकल आए। तो शेर नजर कर रहा हूं। मुफलिसी मैं कभी चेहरे पे, वो कीबोर्ड का तार लगा दो, आ गया। अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है, जब अल्लाह जिसे चाहे उरूज दे, जिसे चाहे जवाल दे। क्योंकि डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबक कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं। इसलिए शेर नजर कर रहा हूं। मुफलिसी में कभी चेहरे पे उदासी न सजा, मुफलिसी में कभी चेहरे पे उदासी न सजा, वक्त फिर वक्त है आएगा, वक्त फिर वक्त है आएगा, गुजर जाएगा। जैसे कि हम हैं, अगर दुनिया में सबसे बड़ी दौलत कोई है तो वो बाप और मां है। इसकी असली कदर जब होती है जब मां बाप का साया सर से उठता है। अभी पिछले साल इसी महीने में मेरे वालिद मोहतरम दुनिया फानी से रुखसत हुए हैं। मेरा बड़ा अटैचमेंट, बड़ी मोहब्बत अपने वालिद से थी, और हर बाप को अपने बेटे से होती है और बेटे को अपने बाप से होती है। मियाँ ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है। मिलने को तो मिल जाती है दुनिया में हर एक शय, माँ बाप जैसी चीज जमाने में नहीं है। अब ये शेर उनके लिए है जिनके रहबर नहीं, क्योंकि सबसे बड़े रहबर बाप होते हैं। अमीर भाई शेर सुनना। बज़ुबानी मेरे बाप मेरे वालिद, शेर मेरा है जुबान उनकी है। शेर देखें, वो कहते हैं मेरे लिए, दिल की बेचैनी यही सोच के बढ़ जाती है, दिल की
मेरे बाद खुदा जाने किधर जाएगा। करवटे लेके संभलना भी नहीं सीखे हैं और गिर गिर के संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे मौला मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे। मोहब्बत है, वो खुद अच्छे फनकार हैं, उन्होंने नवाजा, उनकी मोहब्बतों का बाइस है। दिल की बेचैनी यही सोच के बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। वो मेरे बाद खुदा जाने किधर जाएगा। एक शेर नजर कर रहा हूं, माफ कीजिए मख्ता है क्योंकि वक्त की किल्लत है। शकील परदेसी हैं, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, उनकी मैंने काफी गजलें पढ़ी हैं। चाहत में बेवफाई का इम्कान बहुत है, ये भी उनकी थी। हर शख्स दिल लगा के परेशान बहुत है। मख्ते में कहते हैं, तुम कभी शिकवा शिकायत ना करो रब से शकी, तुम कभी शिकवा शिकायत ना करो रब से शकील। उसने चाहा तो मुकाम